नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गणपति का महोत्सव 10 दिन तक चल रहा है, ऐसे में कुछ डेज आप कुछ खास उपाय जरूर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय हम अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ साधारण उपाय किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो काफी लास्ट में जाकर के भी देखते हैं तो जो दिन बचे हैं गणपति महोत्सव, तो आप उन डेज में भी इन उपायों को कर सकते हैं। 19 तारीख से शुरू हुआ ये गणपति महोत्सव, ये 28 तारीख यानी 19 से 28 सितंबर के बीच का गणपति महोत्सव है। तो आपको ऐसे कौन से कुछ खास उपाय हैं जो कभी भी किसी भी दिन आप कर सकते हैं? सबसे पहला, गणपति जी को जो चीजें प्रिय है वो तो आप कीजिए। मोदक पसंद है वो चढ़ाइए, आप फल उन्हें चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, मालाएं चढ़ाई जाती हैं और दूर्वा चढ़ाई जाती है, बहुत सारी चीजें उन्हें अर्पित की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, ये जरूर अर्पित कीजिए। सुपारी, वैसे गणेश सुपारी होती है, अगर वो सुपारी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। सुपारी को आपने बीच में से छेद करके नहीं माला बनानी है, उनके ऊपर धागा बांध बांध के, जैसे आप ऊपर चारों तरफ से धागा लपेट करके गांठ लगाते हैं, उससे आपने सुपारी की माला बनानी है। 21 सुपारियों की माला बनाइएगा। अगर गणेश सुपारी मिल जाती है तो गणेश सुपारी ही डालिएगा, और अगर गणेश सुपारी नहीं मिलती है तो जो नॉर्मल सुपारी होती है, साबुत, साफ, खंडित नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, आपने इसकी 21 सुपारियों की माला बनानी है और गणपति जी को किसी भी दिन जाकर के अर्पित कर देनी है। अगर अपने घर में गणपति बैठा रखे हैं या आपके आस पड़ोस में कहीं भी गणपति स्थापना हो रखी है तो वहां जाकर के भी ये सुपारी जो है अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई टोटका नहीं है कि किसी का कुछ नुकसान होने वाला है तो आपका कुछ पता नहीं क्या हो जाने वाला है, ऐसे किसी को परेशान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भगवान गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आसपास कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर के भी आप ये अर्पित कर सकते हैं, लेकिन डेज गणपति महोत्सव के बीच में ही इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, भगवान गणपति को दूर्वा बहुत पसंद है। हमने कहा ना, कुछ चीजें उन्हें बहुत प्रिय है, प्रिय चीज जब किसी को मिल जाए तो उनका मन बाग बाग हो जाता है। तो आपने दूर्वा 21 दूर्वा का आपने बंच बना लेना। अब जैसे झाड़ू के होते हैं ना, तो पीछे की तरफ वो रस्सी बंधी होती है, तो वैसा ही पीछे की तरफ आपने कलावा या रोली, कलावा और मोली यानी लाल रंग का धागा भी, नॉर्मल धागा भी होता है, अगर के नहीं कलावा है तो लाल रंग का नॉर्मल धागा डाल दीजिएगा, उससे आपने उसे एक बंच बना लेना। 21 पूरी टहनियां होनी चाहिए उसमें, और 21 का एक बंच बना, तो ऐसे आपने 11 बंच बनाने हैं। तो 11 बंच बना करके उसे धागे से बांधते हुए एक माला बना लेनी है, दूर्वा की माला। ये माला आपने भगवान गणपति को अर्पित कर देनी है किसी भी दिन। अब सबसे बड़ी बात है कि दूर्वा को अच्छे से पहले धो करके गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। ये आपने माला किसी भी दिन जाकर के अर्पित कर देनी। जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डेट ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप इसी दिन कर सकते हैं, मंदिर में नहीं कर सकते, घर में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। गणपति हर जगह है, हमारे इर्द गिर्द। जब वो हमारे इर्द गिर्द है तो आप मन के अंदर आपके गणपति है, आपकी भावनाओं में गणपति है, आपके भाव में गणपति है। तो अगर आपने नहीं भी अपने घर में स्थापित किया है तो भी आप मंदिर में जाकर के भी ये माला अर्पित भगवान गणपति को कर सकते हैं। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और बहुत ही शुभ मानी जाती है दूर्वा। और दूर्वा प्रिय वस्तु है भगवान श्री गणेश की। अब और भी ऐसे कुछ उपाय हैं जिसे आपको जरूर करना है, इनफैक्ट, लेकिन एक आपने प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को आपने रोकना नहीं है। हम स्वार्थी हो जाते हैं ना, अरे हमारा काम बन रहा है तो हम दूर, क्योंकि बटन दबाने में तो टाइम लगेगा ना, और कितना टाइम लगता है, कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन हो सकता आपके माध्यम से किसी और का भी तो भला हो सकता है, तो आप इसे शेयर जरूर करें करें। मेरी जितनी भी वीडियो है प्लीज आप उसे जरूर शेयर किया करेंगे, सिर्फ अपने तक ना रखें, ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय को कर सके।
एक और चीज, शम्मी के पत्ते भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, लेकिन शम्मी के पत्ते ऐसे ही नहीं चढ़ाना है। 11 शम्मी के पत्ते और 11 अपने मोदक या फिर बूंदी के लड्डू, एक मोदक और एक पत्ता एक साथ आपने भगवान गणपति को चढ़ाने हैं, लेकिन टोटल 11 पत्ते 11 लड्डू ये आपने भगवान गणेश को अर्पित करने हैं। किसी भी दिन कर दीजिए, मंदिर में जाकर के उपाय कर लीजिए, घर में गणेश जी हैं उनके उपाय कर लीजिए, तो आपने 11 लड्डू, 11 मोदक या लड्डू और 11 शमी के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करने हैं। और ये जो लड्डू है या मोदक है ये आप छोटे छोटे बच्चों में बांट सकते हैं अगर आप घर के अंदर इस उपाय को करें। अगर मंदिर में है तो पंडित जी पुजारी जी वो किसी को भी ये लड्डू प्रसाद रूप में दे सकते हैं, तो इस उपाय को भी आपने जरूर करना है। एक भी उपाय आपने रोकना नहीं है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, सारे उपाय आपने दूसरों तक जरूर पहुंचाने हैं और साथ के साथ अपना भी भला करना है, बट दूसरों का भी भला करने का प्रयास करना है। जब अच्छे भाव रखते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भगवान गणपति आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। 10 दिन तक ये चलने वाला महोत्सव बहुत उत्तम महोत्सव होता है, तो आपने ऐसे में भगवान गणपति को इस बार तो मना ही लेना है। सो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आपने जरूर देखना है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।